एवरीवन, माईसेल्फ सोनिया भुटानी। मैं आज आपको दो टेक्निक सिखाने वाली हूँ, जिसमें एक डॉयल इफेक्ट है और स्टेंसलिंग है, जिसके लिए मैंने एक MDF बोर्ड लिया है जो 12x12 इंचेस का है और मैं इसके ऊपर एशियन पेंट का प्राइमर यूज करने जा रही हूँ। आप MDF बोर्ड की जगह कोई भी बोर्ड ले सकते हैं अगर आपके पास MDF अवेलेबल नहीं है तो। अभी आप देखिएगा, जिसमें मैंने एक 12 नंबर का ब्रश लिया है और मैं उससे अब प्राइमर कर रही हूँ। जब भी आप प्राइमर करें तो आप अपने डायरेक्शंस का ध्यान रखें, जो कि आप एक सिमिलर डायरेक्शन में प्राइमर का यूज करें ताकि हमारा बेस बहुत अच्छा रहे। प्राइमर आप किसी और कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने दो कोट प्राइमर के लगाए हैं और मैंने इसे चारों तरफ से प्राइमर कर लिया है। अब मैं इसका बेस कलर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर लिया है और सिल्वर एक्रेलिक कलर लिया है, जो फेविक्रिल कंपनी और कैमल कंपनी का है। अभी अब मैं देखिए, मैं इनको एक ही डायरेक्शन में बेस कोट कलर करूँगी। कलर्स आप किसी और कंपनी के भी यूज कर सकते हैं, आप चॉक पेंट यूज कर सकते हैं। आपको बेस आपका स्मूथ होना चाहिए और बीच बीच में मैं इसका थोड़ा सा सिल्वर टच भी लूंगी। सिल्वर पेंट से इसमें हल्का सा शाइन आएगा जो कि बहुत ग्रेस देगा। देखिए, मैंने अभी व्हाइट और सिल्वर कलर का पूरा इसके ऊपर कोटिंग कर दी है, जो अब पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। ये देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ तो आपको इसका थोड़ा शाइन दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन टच करने वाली हूँ। ये मैंने गोल्डन कलर लिया है और थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में लिया है कलर, बहुत लिक्विड नहीं है, जिसमें मैं हल्के हल्के ये गोल्डन के स्ट्रोक्स दे रही हूँ। बिल्कुल आपने ड्राई ब्रश की तरह करना है, कलर बहुत ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये टेक्सचर नहीं आएगा। ये आपको कहीं कहीं देने हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर डॉली इफेक्ट करना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये डॉयली है। ये देखिए, इसमें मैं दो साइज यूज करने वाली हूँ। इसे मैं एक कॉर्नर पे यूज करने वाली हूँ और इसके इस साइड पर यूज करने वाली हूँ। कॉर्नर यूज करने के लिए मैंने इसे ऐसे फोल्ड किया है और मैं इसे कट करूंगी। ये देखिए, कॉर्नर यूज करने के लिए इसका कटिंग जरूरी है। ये देखिए, और मैं इस वाली डॉली को हाफ कर दूंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा स्टेंसिल ऊपर आएगा, सो मैं इस डॉली की सेटिंग इस तरह से करने वाली हूँ। ये देखिए, मैं अपनी पहले डिजाइनिंग प्लान कर लूंगी कि मुझे किस डिजाइन में जाना है। ये देखिए, ये मेरी डॉली की सेटिंग है। आप ये सब डॉलीज को सेट कर लीजिए। अब मैं आपको कलरिंग करना सिखाती हूँ इसमें। ये देखिए, अब मैंने ये चॉक पेंट, होम डेकोर का चॉक पेंट लिया है, इससे मैं अब कलरिंग करने वाली हूँ। कलरिंग करने के लिए आपको एक राउंड ब्रश की जरूरत होगी, और राउंड ब्रश जो है आपका
थोड़ा ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके ब्रश में पानी है तो आप उसे बिल्कुल कपड़े से अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद कलर का यूज करिए। ये देखिए, अब कलर को आपने ऐसे डिप करना है कलर में, और उसको एक पेपर पर आपने उसको इस तरह से एक्स्ट्रा कलर को निकाल देना है। डॉली के ऊपर ऐसे आप फिंगर रख के बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में कलर करिए। आपके ब्रश में कलर ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका इम्पैक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ये बहुत ही आपका केयरफुली करने का स्टेप है, अदरवाइज आपके स्टेप्स में गड़बड़ हुई तो आपका डॉली इफेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। आपका डॉली पूरा कवर हो जाना चाहिए, इसमें जो आपके होल्स हैं वो बिल्कुल कवर हो जाने चाहिए। अगर आप एक साथ सब नहीं कर सकते हैं तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। आप अपनी डॉली को एक सेलो टेप से पेस्ट करके भी आप अपना कलरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं डॉली निकालने जा रही हूं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आया है इसका। डॉयली को बहुत देर तक आपको ऐसे पेस्ट करके नहीं रखना, अदरवाइज ये बिल्कुल पेस्ट हो जाएगी और निकलेगी नहीं। अब मैं इसका दूसरा कॉर्नर करके दिखाती हूँ आपको। आपने ब्रश को इस फॉर्म में नहीं करना, आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलाना है ब्रश को, अदरवाइज आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। और साथ साथ आप डॉली को निकाल भी दीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पर टिश्यू पेपर लगाना बता रही हूँ। टिश्यू पेपर लगाने की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं डेकोपैच। इस टेक्निक में अभी देखिए ये टिश्यू पेपर है, जिसमें कुछ टिश्यू पेपर 3-ply के होते हैं, कुछ पेपर 2-ply के। तो अभी हमें जितना एरिया आपको यूज़ करना है उसको हम पहले सेट करेंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट में कितना टिश्यू पेपर यूज़ करना है, उसको हम निकाल लेंगे। निकालने का मेथड ये है कि हम एक साफ पानी लेंगे, ब्रश को पानी में डिप करेंगे और जो एरिया हमें चाहिए उसकी बाउंड्री पर हम उसको इस तरह से चलाएंगे। आप टिश्यू पेपर की जगह राइस पेपर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं इसे हाथ से टियर करने वाली हूँ, ये बहुत इजीली टियर हो जाता है। इसकी बाउंड्री लाइन को हमें नहीं चाहिए। अब ये देखिए, इसमें लेयर्स हैं जिसमें से मैं इसकी लेयर्स निकाल के इसे यूज करूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसकी लेयर्स सेपरेट कर दी है। ये देखिए, इसमें 2-ply थी। अब मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इसे यहाँ यूज करें, इसमें ये बर्ड्स आ जाए इस तरह से। तो इसे लगाने का मेथड ये है कि आप एक क्लीन ब्रश लीजिए, ये मोट पॉज है जिससे टिश्यू पेपर लगाया जाता है। जिस ब्रश से आप मोट पॉज यूज करें वो बिल्कुल ड्राई हो, आप इसे सरफेस पर पहले मोट पॉज लगा लीजिए। अभी देखिए, आपको पूरा टिश्यू एक साथ नहीं रखना है, अदरवाइज उसमें बबल्स आ जाएंगे, एयर आ जाएगा और आपका टिश्यू पेपर नीटनेस से नहीं लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा पार्ट रखिए,
और उसे सेट कर लीजिए और बाहर की तरफ करिए ताकि उसमें एयर बबल्स नहीं आए और आपका बहुत नीटली पेस्ट हो जाए। ये देखिए इसमें रिंकल्स नहीं आने चाहिए। और इसके ऊपर फिर से हम मॉड पॉज अप्लाई करेंगे। मॉड पॉज का डायरेक्शन भी आप बाहर की तरफ रखिए ताकि उसका जो बबल्स हैं, आपकी जो एयर है वो निकल जाए। सेंटर से स्टार्ट करके बाहर की तरफ आइए। ये देखिए अब हम इसके बॉर्डर्स पर भी थोड़ा सा मॉड पॉज अप्लाई करेंगे और इसे टर्न कर देंगे और कॉर्नर्स पर भी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये जो बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट है ये ड्राई होने के बाद हम इसे स्क्रब कर देंगे। मॉड पॉज यूज करने के बाद अपने ब्रश को फौरन आप क्लीन कर लीजिए। अब मैं आपको इसके ऊपर स्टेंसिल यूज करना बताती हूँ। ये देखिए ये मेरा स्टेंसिल है, इसे मैं यूज करने की प्लानिंग कर रही हूँ। तो अभी हम लोग इसकी सेटिंग देखते हैं कि ये कैसे हमारा अच्छा लगेगा। ये देखिए देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे अच्छा लगेगा, तो मैं इसे इस तरह से सेट करूंगी। स्टेंसिल को आप चाहें तो टेप से सेट कर सकते हैं, सेलो टेप लगाकर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग के लिए मैंने ये कलर्स पेन किए हैं, डार्क ब्लू कलर है, थोड़ा सा लाइट कलर है, एक आई क्राफ्ट का है और एक फोक आर्ट का होम डेकोर चॉक पेंट। सेम एज इट इज आप राउंड ब्रश का यूज करेंगे स्टेंसिलिंग करने के लिए। टेक्निक वही है कि आपके ब्रश में पानी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे आप कपड़े से क्लीन कर लीजिए या एक रफ पेपर पर डैप कर लीजिए। देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर है तो मैं उसे निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं चाह भी रही हूँ कि इसके अंदर हल्का सा मेरे शेड भी है, तो अभी मैं इसमें डबल कलर करने वाली हूँ, डार्क ब्लू कलर। अब आपने ब्रश को इस फॉर्म में नहीं चलाना, उसको स्ट्रेट ही चलाना है। ब्रश में कलर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्टेंसिल इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। आप इस स्टेंसिलिंग में ब्रश को राउंड राउंड फॉर्म में भी चला सकते हैं। अगर आपका ब्रश का कलर ज्यादा होगा या कलर पतला होगा तो वो आपका स्टेंसिल का पार्ट क्रॉस करके दूसरे पार्ट में चला जाएगा जो आपके इंपैक्ट को खत्म कर देगा। अब मैं ये डबल शेड का यूज कर रही हूं। बस आप ये ध्यान रखिए कलर करते हुए कि आपका कोई भी प्लेस रह न जाए।
ये देखिए डबल शेड में रहेगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। एक बार स्टेंसिल निकालने से पहले आप पूरा चेक कर लीजिए कि आपका हर पार्ट अच्छे से कवर हुआ है या नहीं हुआ। आप ड्राई ब्रशिंग के लिए, आप स्टेंसिलिंग के लिए आप किसी भी खराब ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास राउंड ब्रश नहीं है तो आप जो भी ब्रश आपका खराब हो गया हो उससे भी काफी अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। ये देखिए अब मैं स्टेंसिल निकालने वाली हूँ। स्टेंसिल को निकालते हुए आप बहुत ध्यान रखिए, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आया है। फ्रेंड्स हम लोगों ने लास्ट स्टेप किया था जिसमें हम लोगों ने स्टेंसिलिंग किया था पूरा का पूरा, फिर मैंने उसका इसकी वर्डिंग्स की आउटलाइन की है ब्लैक कलर से, थोड़ा सा डेकोपाज किया है इस प्लेस पर और यहाँ। अब मैं आपको इसको लास्ट स्टेप करना बता रही हूँ जिसमें हम इसको थोड़ा सा डेप्थ देंगे हमारे डार्क कलर से, जिसमें हम इसकी बाउंड्री को कवर करेंगे ताकि हमारे इसमें थोड़ा सा इसका डेप्थ आ जाए। हमारे ब्रश में कलर एज इट इज बहुत कम होना चाहिए, ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बॉर्डर्स कर रहे हैं हम लोग। हल्का टच करेंगे इन्हें, थोड़ा सा हम इसे फिनिशिंग टच दे रहे हैं जो हमारा लास्ट स्टेप है। अब ये देखिए अब मैं इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर से करने वाली हूँ। एज इट इज ब्रश को थोड़ा सा आप कम कलर में करेंगे। इस साइड भी हम लोग जाएंगे गोल्डन कलर के साथ। आई थिंक आपको ये दोनों टेक्निक से काफी बेनिफिट मिलेगा, आपने अच्छे से सीखी होंगी। देखिए अब हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपने डेकोपैच, स्टेंसलिंग एंड डोइल इफेक्ट एंड स्पॉन्जिंग आपने तीन चार स्टेप सीखे हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और बेल आइकन आप प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे भी आपको वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू सो मच।